किसान जो है लाइट पहनता है, बताइए। यानी इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है? यही जो बिजली वाला काम करते हैं, है ना? एन इलेक्ट्रीशियन क्या है? आज हमने रखा है बच्चों के लिए क्लास वर्क, तो उनको मैंने टेबल्स दिया जिसको सॉल्व करना है सेंटेंस के रूप में, तो ये लोग अभी कर रहे हैं। तो अगर आपको भी देखना है तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखोगे तो जिन जिनको जानकारी नहीं है तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मदद मिलेगी, जानकारी मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। A farmer wears light. किसान जो है लाइट पहनता है, बताइए। A farmer works क्या होगा? A farmer works कहाँ काम करता है? In the field, ये होगा field. One number. उसके बाद यहाँ पे लिखा है A uniform क्या पहनता है? Uniform पहनता है, okay? इसके बाद लिखा है ए सिंगर। एक सिंगर यानी एक गायक क्या करता है? गाता है ना, गाना गाता है, ओके। एन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? वो रिपेयर करता है ना, इलेक्ट्रीशियन रिपेयर क्या करता है? लाइट कहाँ है? वेयर इज लाइट? ऊपर देख, ये है एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स लाइट्स, यानी इलेक्ट्रीशियन जो है लाइट का रिपेयर करता है। ए पायलट, एक पायलट क्या करता है? ए पायलट क्या करता है? फ्लाइज यानी प्लेन उड़ाता है ना, क्या प्लेन कहाँ है? ए पायलट फ्लाइज ए प्लेन, एक प्लेन उड़ाता है। यहाँ पे ए एक्टर है कि एन एक्टर है? मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया? एन एक्टर लिख दिया, तो यहाँ पे ए क्यों लिख दिया? एन एक्टर क्या कर किया? ए म्यूजिशियन, एक म्यूजिक बजाने वाला क्या करता है? प्ले सॉन्ग क्यों लिख दिया?
प्लेस तो ठीक है, सॉन्ग बजाएगा या म्यूजिक बजाएगा, तो म्यूजिक ना होगा, ए म्यूजिशियन प्लेस म्यूजिक, तो बस ना। क्या बोलता हूँ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल, यानी ये टेबल है, टेबल के अंदर में जितने भी शब्द हैं यानी वर्ड्स हैं, इनमें से आपको सेंटेंस बनाने के लिए कहा है। सबसे पहले आता है ए फार्मर, यानी एक किसान। एक किसान यूनिफॉर्म तो पहनेगा नहीं, नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखना है, ए फार्मर एक्ट एक्टिंग करता है नहीं, क्या ये उड़ाता है नहीं, प्ले खेलता है नहीं, वेस्ट पहनता है नहीं, सिंग गाता है नहीं, रिपेयर करता है नहीं, वर्ड काम करता है हाँ। ए फार्मर वर्ड कहाँ पे काम करेगा, गाने पे या खेत में, खेत। तो यही होगा, इसमें लिखना है अ फार्मर वर्क, क्या बोला कहाँ पे, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब दूसरा देखते हैं, ए सोल्जर, सोल्जर क्या है, फौजी वाले, राइट। सोल्जर कोई भी हो सकता है, फौजी मिलिट्री, वह क्या पहनेगा, ये ए सोल्जर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे लिख देना है सोल्जर वेयर यूनिफॉर्म, वेयर की जगह पे क्या लिख दोगे, इसमें क्या लिखा है एस, यूनिफॉर्म। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, ए सिंगर, एक गायक क्या करता है, गाना, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, गाना ही गाएगा। ए सिंगर क्या करेगा, सिंग क्या, सॉन्ग, यहाँ पे लिख दो ए सिंगर सॉन्ग, तो सिंगर ऑब्वियसली गाना गाएगा, ओके ऑलराइट। तो सॉन्ग की जगह पे एस भी लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने क्या लिखा, सॉन्ग ही लिख दिया, तो गाना बहुत हो सकता है, कोई भी गाना हो सकता है, यहाँ पे एक गाना नहीं बोला, एक से ज्यादा हो सकता है, क्यों यहाँ पे एक ही सिंगर है, तो उसके लिए सिंग की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, सिंग की जगह पे एस लगा देंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि ये जो सिंगर है ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ सिंग के साथ कोई भी वर्ब क्रिया के साथ हमें एस लगाना पड़ता है, एस या तो ईयर, उसके बाद गाना के साथ एस है। चलिए आगे देखते हैं, एन इलेक्ट्रीशियन, यानी इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है, यही जो बिजली वाला काम करते है ना, एन इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, वो रिपेयरिंग का काम करता है, एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स, ये भी एक ही है ना, सबके सब एक ही है, सिंगल है ना, एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है, रिपेयर क्या, क्या रिपेयर करेगा, गाना रिपेयर करेगा या खेत रिपेयर करेगा, नहीं ना, तो ऑब्वियसली लाइट ही रिपेयर करेगा, क्या करेगा लाइट, तो यहाँ पे लिख देना एन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन क्या है, लाइट क्या है, रिपेयर 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 क्या, लाइट। ओके, क्लियर है, अब चलते हैं एक पायलट, अब पायलट की बात करें तो ऑब्वियसली प्लेन तो उड़ाएगा ना, है कि नहीं, तो क्या है, ए पायलट क्या करेगा, फ्लाई करेगा, प्ले कौन बोला, प्ले नहीं, प्ले मतलब खेलना होता है, ए पायलट उड़ाएगा ना, फ्लाई करेगा, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे फ्लाई की जगह पे ईएस लगा, जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, है ना, जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यहाँ पे एफ या तो ईएस लगता है, इसलिए फ्लाई की जगह पे हमेशा क्या बदल जाता है, एफ एल आई एस, सिंगल में बनाओगे तो एफ एल वाई फ्लाई होता है, उड़ना या उड़ाना, है ना, तो इससे बन जाता है फ्लाई, यानी वाई जो है आई के रूप में बदल जाता है, फ्लाई क्या उड़ाएगा, प्लेन, प्लेन कहाँ है, प्लेन, प्लेन, तो क्या होगा, ए पायलट फ्लाइज प्लेन, एक पायलट क्या करेगा, प्लेन उड़ाएगा, आगे देखते हैं, एन एक्टर, यानी एक एक्टर क्या होता है, जो फिल्मों में काम करते हैं, एक्टिंग करने वाले, एन एक्टर क्या करता है, एक्ट करता है, ये भी सिंगुलर है, इसलिए एक्ट की जगह पे एक्स लगा, एन एक्टर एक्ट कहाँ पे, याद से देखो, इन फिल्म, यानी फिल्मों में काम करता है, कहाँ पे, एन एक्टर क्या लिखा है, एक्ट करता है, एक्टिंग करता है ना,
देखिए एक्ट और वर्क दोनों काम ही होता है, लेकिन जो फिल्मों में कोई भी एक्टिंग करता है उसके लिए एक्ट लगाया जाता है। एक्ट यहां पे इन क्या है, फिल्म, फिल्म्स हो या मूवी हो, है ना, मूवीज भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एम म्यूजिशियन, म्यूजिक बजाने वाले, म्यूजिक कुछ भी हो सकता, पियानो, तबला हो सकता है, गिटार हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ड्रम हो सकता है। एम म्यूजिशियन क्या करेगा, प्ले करेगा, ये तो प्ले करेगा। प्लेस क्या है, कहा है म्यूजिक, म्यूजिक क्या करता है, एम म्यूजिशियन क्या करेगा, प्लेस, प्ले नहीं होगा, प्लेस होता है, ये सब के सब सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। प्लेस क्या है, म्यूजिक, म्यूजिक, एम म्यूजिशियन प्लेस म्यूजिक। तो इसी तरह आपको बनाना है, अगर किसी को कोई डाउट सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके क्लियर है, सबको समझ में आया, ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो इसे बनाने के लिए बोला था, आप लोग तो कुछ भी बना रहे हैं, चलिए ठीक है।